शतरंज एक ऐसा खेल जो चुनौती से भरा है, एक ऐसा खेल जिसे हर कोई खेल नहीं सकता। इसे खेलने के लिए तेज दिमाग होना चाहिए। ये कोई साधारण खेल नहीं। भले ही इसमें शारीरिक ताकत ना लगती हो, लेकिन फिर भी ये खेल अन्य कई खेलों से बढ़कर है। इस खेल के लिए खिलाड़ी के तेज दिमाग के साथ उसकी एकाग्रता भी होनी जरूरी है, क्योंकि उसका ध्यान दूसरी तरफ हुआ नहीं कि एक एक करके उसके सभी खिलाड़ी मरते जाते हैं। राजा, रानी, घोड़े, हाथी, प्यादे, कुछ ऐसी ही है शतरंज की चालें। ये खेल अपने पाले में रखे राजा को बचाने और दूसरे के पाले में रखे राजा को हराने के लिए खेला जाता है, वो भी शय और मात के साथ। इतना आसान नहीं है शतरंज का खेल जितना सुनने में लगता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शतरंज का खेल पहली बार कहाँ खेला गया, इसे किसने बनाया और क्यों बनाया, इसे बनाने के पीछे बनाने वाले का मकसद क्या था, ये खेल अस्तित्व में कब आया और कैसे पूरे विश्व में पहुंचा? लेकिन पहले एक सवाल, क्या आपको पता है कि शतरंज दुनिया का सबसे पुराना दिमाग लगाने वाला खेल है? शतरंज ऐसा सबसे पुराना खेल है जिसे एक जगह बैठकर अपने दिमाग की नसों पर जोर देकर खेला जाता है। शतरंज पर शोध कर चुके विशेषज्ञों का कहना है कि एक ऐसा खेल है जो प्राचीन समय के लोगों की जिंदगी को दर्शाता है। इस शतरंज के प्यादे जिस बोर्ड पर चलते हैं, उस बोर्ड का आकार चौरस आकार होता है और उसमें भी काले और सफेद रंग के डिब्बे, ये सभी प्राचीन सभ्यता को कहीं न कहीं दर्शाते हैं। यदि हम पाश्चात्य देशों के इतिहास पर गौर करें तो शतरंज का खेल कम से कम 1500 वर्ष पुराना है, लेकिन भारत का इतिहास तो कुछ और ही कहता है। इसके मुताबिक शतरंज भारत में ही उत्पन्न हुआ, ये कोई विदेशी खेल नहीं बल्कि भारत की धरती पर ही उजागर हुआ राजा महाराजाओं का खेल है। कहते हैं कि गुप्तकाल के समय पर ही शतरंज का आविष्कार किया गया। यदि आपको मालूम हो तो महाभारत काल में पासे के प्रयोग से खेल खेला जाता था। ये वही खेल था जिसकी मदद से कौरवों ने पांडवों से उनकी सारी संपत्ति छीन ली थी, साथ ही उनकी पत्नी द्रौपदी को भी बेइज्जत किया था। पासों का ये खेल उस युग से होता हुआ गुप्त काल तक भी आया, लेकिन वह समय आ गया था जब राजा महाराजा कुछ नया चाहते थे, क्योंकि पासों का ये खेल किस्मत पर निर्भर था। आपकी किस्मत हुई तो आप जीत जाएंगे, नहीं तो हार आपके द्वार पर आकर खड़ी हो जाएगी। तब शतरंज का नाम वह नहीं था जो हम सुनते आ रहे हैं। राजा ने इस खेल को चतुरंग का नाम प्रदान किया था। उस समय ये खेल एक बड़े से बोर्ड पर खेला जाता था जिसे वास्तु पुरुष मंडल कहते थे। इस बोर्ड को 8x8 के हिस्सों में बांटा हुआ था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चतुरंग से लेकर शतरंज नाम मिलने तक न केवल इस खेल के नाम बल्कि इसके नियमों में भी बड़े बदलाव आए। ये खेल जिन जिन प्रांतों में गया वहाँ के लोगों ने इसे नया नाम देने के साथ ही इसके नियमों में भी काफी फेरबदल किया।